सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स की गुरु फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत सबसे पहले पुराने पोल के साथ, जहां पे सवाल ये था कि भैया आप जो है आपके हिसाब से क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इंडिया में 5G कब आएगा। आप से बोला है मेजॉरिटी 57% ने कि जो 5G है वो आने वाला है इंडिया में सीधा अर्ली 2023। देखते हैं वैसे क्या होता है भैया 5G का पूरा सीन इंडिया में। दोस्तों वैसे भी आज का मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अपने मोबाइल फोन को नॉर्मली चार्ज कब करते हैं, कैसे करते हैं? क्या रात भर चार्ज में लगा रखते हैं, या सुबह उठ के चार्ज में करते हैं, या दिन में जब मन किया जहां मन किया वैसे चार्ज में लगा रखते हैं, या फिर फोन हमेशा चार्ज में लगा रहता है बिकॉज बैटरी चलती नहीं है? बताना दोस्तों क्या जवाब, सीधा पोजिशन में जाते हुए नीचे कमेंट करते हुए और हमेशा हर बार की तरह दबा डालिए वीडियो में सीधा लाइक बटन को। उसमें बात करते हैं सबसे पहले भैया गूगल को लेकर। यहाँ पे भैया फाइन लग गया है गूगल पे $260,000 का। यहाँ पे दोस्तों अभी रशिया में गूगल ने जो है वो ऐसा फाइन झेल लिया है बिकॉज जो डेटा ब्रीच कुछ रूल्स हैं ऐसा कुछ सीन निकला है भैया, उसको गूगल ने वॉयलेट किया है डेटा रूल्स को। तो मतलब रशिया में कोर्ट ने फाइन लगा दिया $260,000 का गूगल में। देखते हैं फाइन का पेमेंट वगैरह होता है क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों अभी हमारे पास में पोको X4 GT की डेट निकल के आ गई है, 23 जून को फोन दोस्तों लॉन्च होने वाला है, जहाँ पे एक रीब्रांडेड फोन लगता है होगा रेडमी नोट 11T प्रो का। मतलब पोको है तो रेडमी ही होगा, वो था ना इंडिया में रेड टेप है तो लेदर ही होगा, तो पोको है तो रीब्रांडेड ही होगा समथिंग उससे ऐसा लगता है। अभी ऐसे में देखते हैं। वैसे डायमेंसिटी 8100 वाला जो फोन है ये आखिर इनों किस कीमत पे पोको ऑफर करेगा। यहाँ दोस्तों हमारे पास में भी इलॉन मस्क जो अभी इनको सू कर दिया है $258 बिलियन, बहुत ज़्यादा होती है ये अमाउंट। यहाँ पर दोस्तों अलिजिट एक डॉज कॉइन पिरामिड स्कीम का आरोप लगाया है भैया मिस्टर मस्क पे, और यहाँ पे जो लॉ सूट है वो ये चाहता है कि मस्क और उनकी जो कंपनीज हैं वो डॉज कॉइन को प्रमोट करना बंद करें। तो पता नहीं खैर देखो क्या चल रहा है यार, ये बड़े लोग बड़ी बातें। $258 बिलियन समझ तो कितनी ज़्यादा अमाउंट है ये। बस हमारे पास में स्नैपचैट जो है वो अगर हमारे रिपोर्ट्स के लिए एक सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर काम कर रहा है, जहाँ पे आपको कुछ और एक्सक्लूसिव फीचर्स वगैरह मिलेंगे। तो मतलब अगर आप स्नैपचैट यूज़ करते हो तो शायद अभी आप इस प्रीमियम फीचर का जो है वो पूरा मज़ा उठा पाएंगे। यहाँ दोस्तों हमारे पास में पोको F4 5G जो है ये स्नैपड्रैगन 870 के साथ में इंडिया में लॉन्च होने वाला है। डेट उसको कन्फर्म हो गई है 23rd of June। 12GB की इसमें रैम वगैरह भी होने वाली है, ट्रिपल रियर कैमरा वगैरह भी होगा। तो देखते हैं कि आखिर ये फ़ोन, खैर रीब्रांडेड तो ये भी है ही, आप जानती है कौन से वाले फ़ोन का। हमारे पास दोस्तों यहाँ पे भी एयरटेल का जो एक्सट्रीम फाइबर है पहुँच गया है बहुत ज़्यादा कमाल जगह पे दोस्तों इंडिया में, जहाँ पे अभी ये लद्दाख और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर भी पहुँच गया है। तो मतलब यार बहुत ज़्यादा सही सीन है कि आपको एकदम ऐसा हाई स्पीड इंटरनेट का मज़ा मिलेगा एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के साथ में लद्दाख में और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी। यहाँ पे अभी खबर निकल के आती है गूगल मैप्स को लेके, जहाँ पे दोस्तों अभी नियर बाय ट्रैफिक का विजिट आ गया है। बेसिकली 2x2 का साइज़ है, चाहे तो आप एक्सपैंड भी कर सकते हैं, और ये आपको ऑल द टाइम आपके नियर बाय का क्या है पूरा ट्रैफिक वो दिखाता रहेगा, ताकि अगर आपको बाहर निकलना हो जो भी हो तो आप देख सकते हैं भैया आपकी लोकैलिटी में ट्रैफिक इस टाइम पे कैसा चल रहा है। अगली खबर आती है दोस्तों यहाँ पे गूगल ट्विटर और मेटा वगैरह को लेकर, हम दोस्तों ने एग्री कर लिया है कि ये जो है ये एकदम ऐसा स्ट्रिक्ट मेजर्स लगाने वाले हैं बॉट्स के अगेंस्ट, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों यू के नए आए हैं ना कोड ऑफ कंडक्ट, उसके चलते यूरोपियन यूनियन में भैया उनको ऑपरेट करना है तो चाहे वो ट्विटर हो चाहे मेटा हो चाहे गूगल वगैरह हो डेफिनेटली रूल्स को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अगली खबर आती है दोस्तों हमारे पास में नथिंग फोन 1 को लेके। यहाँ पे दोस्तों ये अभी अवेलेबल है परचेज के लिए, मतलब होने वाला है अवेलेबल परचेज के लिए स्टॉक एक्स पे, और ये होगा सिर्फ 100 यूनिट्स के लिए जो कि लॉन्च से पहले दोस्तों हम ले पाएंगे। मतलब ऑक्शन होगा ऐसे में 21 जून को, जो डिलीवरी है वो 35 दिन बाद होगी, इंडिया में जाएगा सेल पे फ्लिपकार्ट पे। तो देखते हैं वैसे कि क्या रहता है पूरा सीन। मैं पर्सनली अंदर से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसी नथिंग फोन 1 को लेके। यहाँ पे हमारे पास में दोस्तों मी स्मार्ट बैंड 7 जो है ये BIS सर्टिफिकेशन के दौरान सामने आ गया है, तो लगता है कि इंडिया में शॉमी वाला नहीं ये तो स्मार्ट वॉच है स्मार्ट बैंड जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा। अगली खबर आती है हमारे पास में नोकिया G11 Plus को लेके। यहाँ पर दोस्तों इसको गीक बेंच पे स्पॉट किया गया है, जहाँ पे एंड्रॉयड 12 पे चल रहा है 4GB की रैम के साथ में। अगेन नोकिया जो है ना वो मिड रेंज के अंदर शायद ज़्यादा ही प्ले कर रहा है, एक अल्टीमेट फ्लैगशिप फ़ोन
पता नहीं यार नोकिया देखो कब लॉन्च करेगा। वैसे हमारे पास में अगली खबर आती है माइक्रोसॉफ्ट को लेकर, और ये जो है ये भी ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर रहा है जो इंटरनेट एक्सप्लोरर के यूजर्स हैं उनको सीधा माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर के ऊपर। और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है भैया वो ऑफिशियली रिटायर हो गया है, अभी 27 साल की इसकी पूरी सर्विस रही है। लोगों ने काफ़ी फन भी उठाया इसी से और काफ़ी फन इसका बनाया भी है, बट आज के डेट में थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारे पास में। उसमें यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी F13 के बारे में खबर निकल के आ रही है कि ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है 22 जून को। 6000 mAh इसके अंदर बैटरी होने वाली है, बाकी दोस्तों यहाँ पे फुल HD वगैरह डिस्प्ले होगा, 15 watts की चार्जिंग वगैरह भी होगी। मतलब इसके लिए कैसा अफोर्डेबल फोन है एफ सीरीज का जो कि सैमसंग लॉन्च करने वाला है। यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आता है मेक इन इंडिया स्मार्टफोन शिपमेंट्स को लेके, और यहाँ पर दोस्तों मानते हैं रिपोर्ट की तो ये बेसिकली ईयर ऑन ईयर 7% ग्रो किया है इन्होंने दोस्तों, अगर हम बात करते हैं Q1 की। और लीड में है सबसे ऊपर ओप्पो, बाकी वैसे जो डिमांड है वो भी काफ़ी सही है, और इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट भी बहुत होते हैं इंडिया में बने हुए स्मार्टफोन्स। यहाँ दोस्तों हमारे पास में अगला अपडेट निकल के आता है सैमसंग गैलेक्सी X Cover 6 Pro और टैब एक्टिव 4 Pro को लेके। ये दोस्तों जुलाई में 13 तारीख को लॉन्च होने वाले हैं। एकदम ऐसा रगेड फोन होगा, रगेड टैबलेट भी होगी, रगेड वाले काम करने के लिए कंप्लीट, यू नो ये दो नए डिवाइसेस आने वाले हैं सैमसंग की तरफ से। यहाँ पे दोस्तों अभी एप्पल की जो M2 चिप है लीक्ड बेंचमार्क से मालूम चलता है कि ये 20% फास्ट है जो करंट M1 चिप है उसके कंपैरिजन में। तो मतलब यार ये बहुत ही सही सीन है। अभी ऐसे में क्लॉक स्पीड जो है वो 3.49 GHz की है, तो मतलब M2 चिप का भी पूरा मज़ा अलग है। मैं बस इंतजार कर रहा हूँ M2 चिप वाली मैकबुक और यू नो बाकी डिवाइसेस का, देखते हैं किस तरीके से उसके बाद में उनको हम यूज़ कर पाएंगे। हमारे पास दोस्तों यहाँ पे अभी एप्पल जो है वो 13.3 इंच का एक OLED मैकबुक लॉन्च करने वाला है 2024 में। OLED का दोस्तों पूरा तगड़ा वाला मज़ा मिलेगा भाई। वैसे अभी iPads वगैरह भी हैं या 14 और 16 इंच के जो हैं ये दोस्तों हैं ही हमारे पास में अभी OLED स्क्रीन्स। मतलब ये जो स्क्रीन है ना इसका मज़ा बहुत ज़्यादा ही अलग है यार। वैसे यहाँ पे दोस्तों अभी मोटोरोला का जो रेजर 3 है ये लीक हो ही रहा है, और यहाँ पे अभी इसकी प्राइस भी लीक हुई है। यहाँ पे दोस्तों मालूम चलता है कि ये जो है ये होने वाला है 1149 यूरोज का इंडिया में। देखते हैं वैसे ये किस प्राइस पे आएगा। जहाँ दोस्तों 6.7 इंचेस का अंदर का स्क्रीन होगा, 3 इंचेस का बाहर का स्क्रीन होगा, एक प्रॉपर ऐसा हाई एंड फोल्डिंग फोन होगा सीधा मोटोरोला की तरफ से। हमारे पास दोस्तों यहाँ पे पबजी का बैन हो चुका है वैसे, बट आगे दोस्तों नाम अलग अलग हैं और यू नो न्यू स्टेट वगैरह जो भी है इंडिया में चलते ही हैं। यहाँ पे दोस्तों अभी NCPCR जो दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उसने पूछा है IOA से और IT मिनिस्ट्री से भी कि भैया क्या चल रहा है पूरा सीन ये पबजी वाला। बिकॉज दोस्तों जो लखनऊ में भी हादसा हुआ उसके बाद से दोबारा कंसर्न निकल के आया है कि भैया टीनेजर्स जो हैं, अंडर एज जो हैं फिलहाल बच्चे जो मतलब यू नो अभी टीन्स हैं वो खेल रहे हैं इस गेम को, तो उनके लिए कितना सही है कितना नहीं है क्या है पूरा सीन, देखते हैं क्या निकलती है कहानी। वैसे मेरी तरफ से तो यार मैं दुआ करता हूँ कि गेम रहना चाहिए, कंसिडरिंग गेम्स में बुराई नहीं है, बुराई उनके ज़्यादा यूजेज से हो सकती है, वो एक पॉइंट है। यहाँ पर दोस्तों अभी हमारे पास में फुल्ली इलेक्ट्रिक महिंद्रा की एक गाड़ी, टाटा और महिंद्रा कमाल कर रहे हैं दोस्तों। महिंद्रा की XUV 400 जो है उसको स्पॉट किया गया इंडियन रोड्स पे टेस्टिंग होते हुए, तो ऐसे में लगता है कि ये XUV 400 एक नई EV वाला पूरा जो है वो मज़ा देते हुए SUV महिंद्रा जल्दी ही लॉन्च कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों लास्ट अपडेट निकल के आता है टाटा सफारी को लेकर, और यहाँ पर टाटा सफारी का भी एक EV वेरियंट बहुत जल्दी आ सकता है। जहाँ पर दोस्तों 7-सीटर जो SUV है टाटा वाली ये ग्रीन प्लेट में स्पॉट की गई है, तो मतलब लुक्स लाइक कि EV में मतलब धमाका होने वाला है। और आने वाले टाइम में मतलब 2030 की अगर हम बात करते हैं तो मतलब चारों तरफ केवल EV आपको दिखने को मिलने वाली है दोस्तों। बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ दोस्तों। फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।